नमस्कार, सप्रिय आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशस पांडे, आप देख रहे हैं सप्रिय समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के पवारा थाना को नई कामयाबी मिली है। गैंगस्टर में वांछित अपराधी सुनील यादव पुत्र बलवंत यादव निवासी प्रसाटा थाना धानापुर जनपद चंदौली को बधवा बाजार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग में क्षेत्राधिकारी मछली शहर विजय कुमार सिंह के निर्देशन में थाना अध्यक्ष हरप्रकाश यादव के नेतृत्व में गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष हरप्रकाश यादव, कांस्टेबल अरविंद यादव, कांस्टेबल तेज बहादुर, कांस्टेबल संजय यादव, कांस्टेबल सुभित यादव शामिल थे। पवारा थाना से सप्रियर के लिए राकेश कुमार दुबे की खास रिपोर्ट। राकेश कुमार दुबे सबकी नजर चैनल से। पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में सीओ मछली शहर के निर्देशानुसार यशो पवारा ने बधवा बाजार से एक गैंगस्टर को अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सुनील कुमार पुत्र बलवंत, थाना घनापुर जनपद चंदौली को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं सीओ मछली साहब माननीय विजय कुमार सिंह जी, जानते हैं कि किस तरीके से इस अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताइए सर, कहां से गिरफ्तार किया, कैसे किया? पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में ये जो मुलजिम है ये गैंगस्टर का है और लगभग 3 महीने से फरार चल रहा था। आज मुखबिर की सूचना मिली कि बधवा बाजार के आसपास ये घूम रहे हैं, तो एसओ पवारा द्वारा इसको घेराबंदी करके गिरफ्तार किया।